राजीव गांधी के हत्यारे संथान की मौत। राजीव गांधी के नाम पर बने हॉस्पिटल में ही संथान ने ली आखिरी सांस। चलिए आपको बताते हैं कौन है संथान और उसने राजीव गांधी की मौत में क्या भूमिका निभाई थी। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। 21 मई 1991 रात करीब 10:20 पर चेन्नई से 42 किलोमीटर उत्तर में श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एक युवती राजीव गांधी को माला पहनाने के बाद उनके पांव छूने के लिए झुकी और उसने अपनी कमर में बंधे बटन को दबा दिया। फिर जोरदार धमाका हुआ और राजीव गांधी की मौत हो गई। 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी की हत्या पूरे देश के लिए हैरान करने वाली थी। दरअसल आतंकवादी संगठन लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम 1991 के आम चुनावों में राजीव गांधी की सत्ता में वापसी नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनके हत्या की साजिश रची। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें पेरारिवलन, मुरुगन, संथन, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, जय कुमार और नलिनी श्रीहरन शामिल थे। इन सभी को मौत की सजा दी गई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया था। दोषियों में संथान और मुरुगन के अलावा दो और, रॉबर्ट पायस और जय कुमार, श्रीलंका के निवासी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। ये सभी दोषी मामले में 31 साल उम्र कैद की सजा काट चुके थे। हालांकि वैध दस्तावेजों के अभाव में इन्हें श्रीलंका निर्वासित नहीं किया जा सका। वहीं पेरारिवलन, नलिनी और रविचंद्रन भारतीय हैं और इन चारों को भी रिहा किया जा चुका है। राजीव गांधी के हत्या के मामले में दोषी सुथेंद्र राजा उर्फ संथान की चेन्नई के राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल में मौत हो गई। संथान एक श्रीलंकाई नागरिक था, वो शिवारसन के साथ श्रीलंका से भागकर भारत आया था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राजीव गांधी की हत्या में संथान की डायरेक्ट भूमिका थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और नवंबर 2022 में रिहा कर दिया, जिसके बाद श्रीलंका निर्वासित करने के लिए उसे अन्य रिहा दोषियों के साथ त्रिची स्पेशल कैंप में रखा गया था, जहां 2023 नवंबर में संथान ने त्रिची स्पेशल कैंप से रिहा करने की मांग की थी। संथान ने कहा था कि स्पेशल कैंप के कमरे में खिड़की बंद है और उसे किसी से भी मिलने की आजादी नहीं है। संथान ने कहा था कि इस स्पेशल कैंप के मुकाबले जेल ज्यादा ठीक थी। बीते सप्ताह ही विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर FRRO ने 56 वर्षीय संथान के श्रीलंका निर्वासन के लिए आपात यात्रा दस्तावेजों को मंजूरी दी थी, लेकिन उससे पहले ही संथान की मौत हो गई। और इसमें खास बात यह है और सबसे बड़ी खबर यह है कि संथान की मौत राजीव गांधी हॉस्पिटल में ही हुई, जो कि चेन्नई में है।